नमस्कार छात्रों, क्रो एक्विजिन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन पटवारी गणित लाभ और हानि चैप्टर का सेकंड भाग हल करेंगे, जिसमें अपने यहाँ पर अपने चार प्रश्न लिए हैं। तो पहले इन चार प्रश्नों को हल करेंगे। क्या दिया है? किसी वस्तु को 6500 रुपये में बेचने पर 500 रुपये की हानि हुई, उसे कितने रुपये में बेचा जाए ताकि 1500 रुपये का लाभ हो। तो क्या है, पहले यहाँ पर 500 रुपये की हानि हुई, तो 500 जोड़ लेंगे तो 6500 में 500 प्लस करेंगे तो यह आ जाएगा क्रय मूल्य। तो ये आ गया अपना क्रय मूल्य, कितना आ जाएगा सीपी, ये आ जाएगा 7000 रुपये। कितना आ जाएगा 7000 रुपये, और कितने की फायदा चाहिए यहाँ पर अपने 1500 रुपये की। तो इसमें 7000 में 1500 रुपये और ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा अपना एसपी आ जाएगा, मतलब विक्रय मूल्य आ जाएगा 0058। यदि अपन इस पर 1500 रुपये की फायदा चाहिए तो कितने में बेचना पड़ेगा, 8500 रुपये में। अब अपन अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न दिया है, किसी वस्तु को 21250 रुपये में बेचने पर 15% की हानि हुई, उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो। क्या निकालना है? लाभ। तो यहाँ पर लिखेंगे 21000, एसपी निकालना है विक्रय मूल्य, 21250 गुणे कितने का फायदा चाहिए, 25 का। तो ऊपर लिख देंगे 25%, मतलब फायदा मतलब 125 बटे यहाँ पर 15 घटाएंगे तो 85, इसको काट देंगे तो इसको काटेंगे 5 × 2 = 10, 5 × 25, 5 × 5 = 5, 5 × 7 = 35, 17 से काटेंगे तो ये कटेगा 17 × 17, बचे यहाँ पर 4, 17 × 2 = 34, यहाँ पर बचेंगे 42 में से 34 जाएंगे तो यहाँ पर बच जाएंगे अपने 8, 17 × 5 = 85, तो यह आ गया 1250। 1250 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 का तो यह आएगा 0 25 × 125 की 5, हासिल आई 12, 25 × 50 और 12 62 की 2, हासिल आई 6, 25 × 25 = 6 = 31। तो इसका आंसर आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा इसका 31250 रुपये। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी सही रहेगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न, किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचा गया, अगर उसे 1000 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 12% लाभ प्राप्त होता है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों में मित्रों अपन क्या देखते हैं, यदि लाभ लाभ हो, लाभ प्रतिशत और लाभ प्रतिशत, तो हमेशा क्या करेंगे, माइनस करेंगे इनको आपस में, क्या करेंगे माइनस। हानि हानि हो तब भी इसको क्या करेंगे, आपस में माइनस करेंगे। यदि लाभ और हानि हो इसको माइनस करते हैं, और यदि लाभ और हानि हो तो इसको अपन प्लस करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, किसी वस्तु को क्रय मूल्य निकालना है तो लिखेंगे सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस बराबर कितने का, 1000 अधिक टू पर लिखेंगे 1000 बटे क्या हो रहा है, 8% लाभ और 12% लाभ, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा अपना, यहाँ पर लिखेंगे 12 - 8, तो यह आ जाएगा इंटू 100, तो 1000 बटे 4 गुणित 100, 4 से काट देंगे तो ये कट जाएगा अपना 25 बार, इसका गुणा करेंगे 25 के एक में, 25 × 25, 3 0 के 3 0, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 25000। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, किसी वस्तु को 12% हानि पर बेचा जाना था लेकिन उसका मूल्य 1190 बढ़ाया गया, जिससे 5% का लाभ प्राप्त होगा,
उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो ये भी ऐसे ही है, यहाँ पर हानि है और यहाँ पर 5% लाभ, तो इन दोनों को जोड़ देंगे 12% प्लस 5%, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा 1190। प्रश्न में दिया है 1190, यहाँ से हो जाएगा ये 17% बराबर 1190। क्या निकालना है यहाँ पर अपने क्रय मूल्य, तो लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 1190 बटे 17 गुणित 100, 17 7 119, 0 का 0, 7 1 7, तो ये 3 0 की 3 0, इसका आंसर आ गया 7000, अपना ऑप्शन बी सही होगा। इसी प्रकार अगला 11वां प्रश्न देखते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला 14वां प्रश्न देखते हैं, 14वां प्रश्न दिया है किसी वस्तु को 11 सही 1/9% हानि के बदले 11 सही 1/9% लाभ पर बेचा जाए, जिससे 4400 रुपये अधिक मिलें, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 21770, बी ऑप्शन है 20700, सी ऑप्शन है इसका 20770, और डी ऑप्शन है इसका अपना 25770। इसको देखेंगे, इस प्रश्न को यहाँ पर दिया है 1/11 सही 1/9%, फ्रैक्शन में होता है 1/9। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक में हो रहा है लाभ और दूसरे में हो रही है अपने हानि, तभी कभी भी लाभ या हानि हो तरीके से वो क्रय मूल्य पूछें तो इनको क्या करेंगे, दोनों को लाभ और हानि को आपस में अपन जोड़ देंगे। और ये किसके बराबर दिया है अपना, ये दिया है अपना 4400 के बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 2/9 बराबर 4400, इसका अपन गुणा करेंगे तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा ये अपना 4400 गुणित 9/2, 2 से काटेंगे तो यहाँ 2 2 4, 2 3 6 और 23 9 207 और 2 0 की 2 0, इसका आंसर आ जाएगा 20700 रुपये, मतलब बी वाला अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला 15वां प्रश्न लिखेंगे, तो 15वां प्रश्न दिया है 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, 1 वस्तु को 11 सही 1/9
प्रतिशत लाभ पर बेचा गया दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत सर हानि पर बेचा जाए ताकि ना लाभ हो ना हानि। ऑप्शन है इसके 10 सही 1/11%। सेकंड ऑप्शन है 20 सही 1/11%। सी ऑप्शन है इसका 9 सही 1/11%। और डी ऑप्शन है इसका 19 सही 1/11%। तो इस प्रश्न को देखेंगे क्या दिया है। 11 सही 1/9% का लाभ, मतलब कितने का फायदा होता है, 11 सही 1/9% लाभ पर बेचा गया। और दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए, ना तो अपने लाभ हो और ना ही हानि हो। तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, क्या है 11 सही 1/9%, ये फ्रैक्शन में होता है 1/9। यहाँ पर अपने क्या हुआ लाभ, मतलब अपन ने CP और यहाँ पर लिखेंगे SP, मतलब एक वस्तु अपन ने 9 रुपये में खरीदी, तो एक का लाभ हुआ तो कितने में बेची, 10 रुपये में। अब यहाँ पर अपना CP कितना होना चाहिए, 10 ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, तो CP 10 होना चाहिए। तो मतलब और अपने हानि करना चाहिए है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जी 10 है, तो यहाँ कितना होगा 11। अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, एक का डिफरेंस है। अपन क्रय मूल्य कितना है 11 × 100%, तो ये आ जाएगा अपना हानि प्रतिशत बराबर आ जाएगा 11×9=99, 9 सही 1/11%, मतलब कितने में हानि पर बेचा जाए उस वस्तु को, 9 सही 1/11%, जिससे ना तो उस पर अपने लाभ होगा और ना ही हानि होगी। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, आप इन दोनों प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को